नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम योग संबंधी एक बार फिर आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे हम आपके लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम योग एंड एनाटॉमी, इसके तहत आपके लिए कई व्याख्यान आयोजित करेंगे। आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जहाँ पर हम आपका परिचय करवाएंगे योग एंड एनाटॉमी से। मित्रों, अब आप सभी जानने के लिए आतुर हो रहे होंगे कि जब हम योग विषय पढ़ते हैं, योग को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें एनाटॉमी जानने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों सीखने की जरूरत पड़ती है एनाटॉमी की योग में। योग में एनाटॉमी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे यहाँ सीसी के लाइव व्याख्यान के जरिए। और साथ ही साथ हम भिन्नताएं ढूंढने की कोशिश करेंगे कि योग एनाटॉमी और जो विज्ञान में हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, बताना चाहेंगे। मित्रों, इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय पाल। डॉक्टर अजय पाल, आपने पीएचडी की है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और आप हेल्थ मिनिस्ट्री में आपने काम किया है सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में, और आप योग थेरेपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। हमारे जो जाना माना इंस्टीट्यूट है मोरारजी देसाई योग इंस्टीट्यूट में, और आप एक योग संस्थान में कार्यरत भी हैं, वहाँ पर आप को फाउंडर के रूप में जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आज के इस सेशन के माध्यम से हम योग एंड एनाटॉमी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और क्यों जरूरत पड़ती है योग में एनाटॉमी पढ़ने की, जानने की। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय पाल का। डॉक्टर अजय पाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जैसा आपको भी बताया गया कि योग में एनाटॉमी की ज़रूरत क्यों है और हम सबको एनाटॉमी की ज़रूरत सीखने की ज़रूरत क्यों है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या योग के ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, योग के टेक्स्ट बुक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो योग की एनाटॉमी पढ़ने की बात करते हों। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि योग की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे हट प्रदीपिका की बात करते हैं, क्योंकि सभी लोग आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ अभ्यास किया जाता है तो है योगासन। इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं योगासन में भी, एक योग है, दूसरा आसन। आसन का अर्थ होता है, आसन दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिस पर हम बैठे हैं। यहाँ हम चेयर पर बैठे हैं तो हमारे लिए चेयर एक आसन है, दूसरा जिस पोज में हम बैठे हैं वो भी हमारे लिए एक आसन है। इसलिए दोनों चीज़ें हमें समझनी होगी कि योग क्या है और आसन क्या है, और दूसरा कि एनाटॉमी का इससे रिलेशन क्या है। तो हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे आयुर्वेद के उस कथन का, उस वक्तव्य का, जहाँ पर कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है, सबसे पहले मीडियम की बात करते हैं, बिना मीडियम के कोई काम नहीं होता। शरीर के बिना हमारा ये काम नहीं होगा, चाहे योगासन करना चाहें, प्राणायाम करना चाहें, ध्यान करना चाहें, लेकिन उसके लिए, सबके लिए जरूरी है हमारा शरीर। और अगर इसी का दूसरा अर्थ हम देखें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर प्रथम है, बिना शरीर के ये सारी क्रियाएं हम कर नहीं सकते, चाहे योगासन हो या कोई बात हो। अब बात आती है बार बार, दोनों बार बात आई शरीर की, बॉडी की, और बॉडी की बात आते ही हमारी एनाटॉमी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, संरचना का अध्ययन करते हैं, तो हम उसे एनाटॉमी कहते हैं। अब योग की एनाटॉमी है तो हम बात करनी पड़ेगी, हठ योग का प्रथम अंग क्या है, आसन। और आसन के बारे में स्वात्माराम जी कहते हैं कि आसन को करने से हमें जो स्टेबिलिटी मिलती है, स्थायित्व मिलता है, हेल्थ मिलती है, और अंगों में उनके एक प्रकार से सुपलनेस मिलता है, वो एक साइज में आ जाते हैं। ये बात प्रथम अंग में उन्होंने लिखी, आसन का जब उन्होंने जिक्र किया है। और ऐसा ही जिक्र मिलता है घेरंड संहिता में, कि वहाँ पर वो बात करते हैं नाड़ियों की, चक्रों की, उपत्तिकाओं की, कंद की, और ये सारी बातें उन्होंने की है कि इस पिंजर में, इस शरीर में ही ये सारी चीज़ें स्थित हैं। जैसे 72,000 नाड़ियों की चर्चा उन्होंने हट प्रदीपिका के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में की है, प्राण उपप्राण पंच प्राण और पंच उपप्राण की चर्चा घेरंड संहिता के 5वें अध्याय के 58 श्लोक से लगाकर 69 श्लोक तक इन सारी चीज़ों की चर्चा है, कि जो बताते हैं कि ये एनाटॉमी केवल हमारी मसल्स, हमारी बोन्स,
हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारी रेस्पिरेशन इन तक सीमित नहीं है, इसके बियॉन्ड की बात कर रहा है योग। इसलिए योग की एनाटॉमी कुछ डिफरेंट हो जाती है उस मेडिकल एनाटॉमी से, बाकी तो सारा वही है। हम रेस्पिरेशन उसी तरीके से करते हैं जो एनाटॉमी बताती है, लेकिन रेस्पिरेशन ब्रीदिंग कब प्राणायाम बन जाता है? हमारी नाक भी वही है, दिल्ली की एयर भी वही है, लेकिन वो ब्रीदिंग प्राणायाम कैसे बन गई? क्या ऐड किया हमने? क्या किसी संस्थान में जाकर या किसी व्यक्ति विशेष से मिलकर वो ब्रीदिंग प्राणायाम बन जाती है, या कुछ उसमें हम ऐड करते हैं? वो सारी चीज़ें क्या हैं जो ब्रीदिंग को प्राणायाम बनाती हैं? हम रिस्पिरेशन तो जानते हैं कि रिस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नोन एज रिस्पिरेशन, लेकिन प्राणायाम क्या है ये जानने का विषय है। और इसमें हमारी एनाटॉमी क्या चेंज होते हैं एनाटॉमिकली, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने जिक्र किया कि इस पिंजर में, इस शरीर में भी नाड़ियों का जिक्र है, और ये गोरख सत्कम में इसका जिक्र आता है, योगी याज्ञवल्क ने इसका जिक्र किया है। मतलब क्या है ये रेफरेंस, ये बात बताते हैं कि इस जो एनाटॉमी हमने मेडिकल साइंस में पढ़ी, हमने 10+2 में पढ़ी, ग्रेजुएशन में पढ़ी, उससे कुछ बियॉन्ड करके है ये योग की एनाटॉमी। और इसीलिए इसको सीखना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि योग में, योग की पॉपुलरिटी और बढ़ती जा रही, लोग बहुत इसमें ज़्यादा लोग आने लगे हैं, तो अब इसमें इंजरीज भी होने लगी, लोगों को चोट भी लगने लगी ड्यूरिंग प्रैक्टिस चोट लगने लगी, तो और ज़रूरत हो गई योगा टीचर्स को इस बात को सीखने की कि एनाटॉमी क्या कहती है, कितनी बेंडिंग की जाए, कितनी ट्विस्टिंग की जाए, किस पर्टिकुलर जॉइंट को किस एंगल पर बेंड किया जा सकता है, और कौन सी मसल्स के ग्रुप्स को यूज करके हम ट्विस्टिंग कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, साइड बेंडिंग हो, तो ये जानने की और ज़रूरत हो गई। अगर किसी टाइप की इंजरी आती है, कहीं पुलिंग या पुशिंग होता है मसल्स में, तो योगा टीचर उसको वहाँ पर मैनेज कर सके, उसको कहीं एडमिट या किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि योगा टीचर्स और एनाटॉमी के बारे में जाने। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी कि योग में बताते हैं 72,000 नाड़ियाँ हैं, वहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, अम्बुलुषा, पुषा, यशस्विनी, हस्तजीवा, कुहू और शंखिनी आदि नाड़ियों का जिक्र करते हैं, और ये भी बताते हैं कि कौन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अटैच है, कौन राइट नॉस्ट्रिल से अटैच है। मतलब भले वो एनाटॉमी इस बात की चर्चा नहीं करती कि वहाँ नाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारी योग की एनाटॉमी इस बात की चर्चा करती है कि वहाँ इड़ा है, वहाँ पिंगला है, और ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये राइट नॉस्ट्रिल से अटैच्ड भी हैं। इनके साथ किए गए प्रयोग शरीर पर वैसा इम्पैक्ट डालते हैं, तो ये बताता है कि वास्तव में ज़रूरत है इस एनाटॉमी को समझने की। और उस एनाटॉमी के साथ, ऐसा नहीं है कि जो हमारी मेडिकल की एनाटॉमी है, साइंस की एनाटॉमी है, उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बियॉन्ड की भी बात इसमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी, हमारा योग, ये दोनों ये मानते हैं कि हमारे इस शरीर में 3 ऐसे और शरीर हैं जो दिख रहा है, दृश्य शरीर, इसको हम स्थूल शरीर की संज्ञा देते हैं। स्थूल शरीर में हमारा बल रहता है, इस बल से हम बहुत सारे वर्क करते हैं, और इसको जो एनर्जी मिलती है उसके लिए पूरा डिफिनेशन बताया गया है कि कैसे ह्यूमन बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल, और कैसे कई सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, कैसे कई टिश्यूज मिलकर एक आर्गन का, और एक आर्गन मिलकर एक सिस्टम का, और कई सिस्टम्स मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एनाटॉमी तो बंद हो जाती है जो मॉडर्न एनाटॉमी है, लेकिन योग की एनाटॉमी कहती नहीं, देयर इज ए सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और देयर इज ए कॉजल बॉडी, कारण शरीर। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात योग करता है, और इसी सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं ये नाड़ियाँ, ये कंद, ये उपत्तिकाएँ, ये चक्र, और इसी कारण शरीर में स्थित हैं हमारी भावनाएँ, हमारी इम्पल्सेज, और जिसकी हम बात करते हैं पंचकोश। 5 कोशों का भी जिक्र आता है तैतृय उपनिषद में, तैतृय उपनिषद में पंचकोशों का वो जिक्र करते हैं, और ये कहते हैं कि वहाँ पर 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। आनंदमय जो कोश है ये कारण शरीर में स्थित है। हर एक कोश
हर एक शरीर पहले से ज़्यादा सूक्ष्म है, ग्रॉस बॉडी जो है फिजिकल बॉडी है उससे ज़्यादा सूक्ष्म है हमारा सूक्ष्म शरीर, और उससे भी ज़्यादा सुप्टल है हमारा कारण शरीर। इसलिए इस एनाटॉमी में इन दोनों शरीरों की भी चर्चा होगी, और इन शरीरों की चर्चा भी होगी और इनको इम्पावर करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए योग में क्या साधनाएं हैं, योग की क्या प्रैक्टिसेस हैं जो इसकी पावर को स्ट्रेंथ करती हैं, इसमें शक्ति देती हैं। जैसे हम जानते हैं कि फिजिकल बॉडी में, भौतिक शरीर में, दृश्य शरीर में हम उसके लिए योगासन का अभ्यास करते हैं, षटकर्मों का अभ्यास करते हैं, और षटकर्मों का अभ्यास करके, योगासन का अभ्यास करके हम इसको प्यूरिफाइड भी करते हैं और इसमें स्टेबिलिटी भी लाते हैं, इसको दृढ़ भी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ऐसे ही प्राणायाम का अभ्यास करके, प्रत्याहार का अभ्यास करके, धारणा का अभ्यास करके हम सूक्ष्म शरीर को मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ध्यान और समाधि का अभ्यास करके हम अपने कारण शरीर को भी मजबूत करते हैं। ऐसे ये पंच कोष तीन शरीर, ये योग की इन अभ्यासों के माध्यम से इनमें स्थिरता, इनमें मजबूती, इनमें दृढ़ता, स्थिरता आती है, लाघवता आती है। बहुत बार हम देखते हैं कि जितना योग पॉपुलर होता जा रहा है, जितना पॉपुलर होता जा रहा है, पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आने के बाद कि वर्ल्ड वाइड, अगर इंडिया को पहले लोग नहीं जानते होंगे लेकिन आज वो इस योग के माध्यम से जानने लगे। जितने लोग ज़्यादा जानने लगे, जितने लोग ज़्यादा योग करने लगे, उतनी ही मात्रा में अब इंजरीज भी बढ़ गई। हमारे यहाँ भी न्यूज़पेपर में अब ये बात आने लगी कि योग के माध्यम से ये इंजरी हो गई, मसल्स पुल हो गई, क्या कारण है? तो आज ही नहीं, बहुत पहले से इस बात पर चर्चा हो रही है। केविन खलील, ए डॉक्टर ऑफ सांट बरारा कैलिफ, रोट ए एक्सपोज पब्लिश इन 2011। ये बुक ये बताती है कि कैसे कैसे आसन करके लोग इंजर्ड हो रहे हैं। एक बुक लिखी गई अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर लीजेंड बीकेएस एंगर, योगा विदाउट डैमेज, पब्लिश इन 2006, एंड 1980s पब्लिश्ड वार्निंग, योगा कैन बी डेंजरस फॉर यू, रिटन विद ए डॉक्टर एंड इशूड बाई द आयंगर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। ये सारी बातें बताती हैं कि और ज़रूरत है एनाटॉमी को सीखने की, क्योंकि इंजरी को रोकना है तो योगा टीचर को एनाटॉमी सीखना होगा। एनाटॉमी सीख कर वो क्या सीखेंगे कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है कैसा, हमारे अंदर बोन्स, हमारी जो मसल्स, हमारी जो जॉइंट्स, हमारी जो स्पाइन, उसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जॉइंट्स तीन तरीके के हैं। एक है साइनोवियल जॉइंट, पूरी तरह फ्लेक्सिबल है, पूरी तरह घूम सकता है, पूरी तरह रोटेट हो सकता है, जिस एंगल पर ले जाना चाहो। दूसरा है कार्टिलेजिनियस, स्लाइटली मूवेबल है, लेकिन तीसरा है फाइब्रस, मूव नहीं करेगा। अब ये बात योगा टीचर को समझनी होगी कौन सा जॉइंट कितना मूवमेंट कर सकता है, और इसी प्रकार हम किसी पर्टिकुलर आसन में किसी पर्टिकुलर पर्सन को कितना बेंड करा सकते हैं ताकि उसकी मसल्स पुल ना हो और उसे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास डेटा है, और वो डेटा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंजरी सर्विलांस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन, और इस डेटा के अनुसार हम देखते हैं कि 2001 से लेकर 2011 तक इंजरी का ग्राफ लगातार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आने वाले योग में प्रैक्टिस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो योगा टीचर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर ना चलें, नो पेन नो गेन, क्योंकि योगा टीचर कहते हैं नो पेन नो गेन, अगर आप यहाँ पर पुश नहीं करोगे, पुल नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। नो, ये कॉन्सेप्ट जहाँ पर यूज होता है वहाँ यूज होने दीजिए, योग में इस कॉन्सेप्ट को मत लाइए। योग तो बात करता है समत्वम की, बैलेंस की, हार्मनी की, सामंजस्य की। योग में नो पेन नो गेन नहीं, योग तो पेन को दूर करने के लिए है, वहाँ पेन लेने के लिए योग नहीं है। यूनाइटेड स्टेट प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन विच ट्रैक्स स्पोर्ट इंजरीज इन लिस्टेड 4,450 रिपोर्ट्स ऑफ योगा इंजरीज इन 2006, बहुत अमाउंट है, 4,000 से ज़्यादा इंजरी वन ईयर में, और केवल कहाँ, अमेरिका में।
ये डेटा अगर पूरी वर्ल्ड का कलेक्ट करेंगे तो बहुत नंबर ऑफ मास में हम कलेक्शन पाएंगे कि इंजरीज हो रही हैं, और इन इंजरीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ध्यान देना होगा योग की एक्टिविटीज पर. और क्यों? हमें सीखनी होगी एनाटॉमी. मैनी पीपल अप्रोच योगा विद नो पेन नो गेन माइंड सेट विद प्रिडिक्टेबल रिजल्ट. उनको एक रिजल्ट चाहिए कि आपका हम इतने दिन में हैंड स्टैंड पश्चिमोत्तानासन ये सब हम करा देंगे आपका, लेकिन आपने ये नहीं सोचा एक बार जो पर्सन आया है उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी स्टिफनेस है. इन सारी चीज़ों पर एक बार रिवाइज करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, उसके बाद किसी के लिए टारगेट, किसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन डिसाइड करने चाहिए. और यहीं पर जरूरत पड़ती है कि योगा टीचर को एनाटॉमी सीखनी चाहिए. कि अलाइनमेंट बहुत जरूरी है योग में. अलाइनमेंट नहीं है तो योग नहीं होगा, क्योंकि योग काम करता है प्राणिक चैनल्स पर. हमने जैसा जिक्र किया पहले, यहां पर चक्र हैं, यहां पर उपत्तिकाएं हैं, यहां पर नाड़ियां हैं. इन नाड़ियां वही नाड़ियां हैं जिनमें प्राणिक फ्लो होता है, प्राणों का प्रवाह होता है. प्राणों का प्रवाह सही रहे तो इसके लिए सबसे जरूरी है अलाइनमेंट. और अलाइनमेंट सबसे ज्यादा किसका? स्पाइन का अलाइनमेंट. स्पाइन के अंदर ही ये नाड़ियां, जैसे हम सब जानते हैं स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड में एक डिफरेंस है, अंतर है. स्पाइन है वर्टिब्रा, कशेरुकाओं से मिलकर बनी हुई. 33 वर्टिब्राज आर देयर, 33 कशेरुकाएं हैं उसमें. लेकिन अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो उन कशेरुकाओं के बीच से, खोखले स्थान से एक पतली रॉड, कॉर्ड, रस्सी गई हुई है जिसमें कि स्पाइनल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं. और इन स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के बंडल को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. उसको सही रखना है, उसको सीधा रखना है तो स्पाइन को इरेक्ट रखना होगा. सिटिंग इज ए सेकेंड स्मोकिंग. नाउ डेज यू ऑल नो इट्स बेटर कि बैठना, अगर पोस्चर गलत है तो बैठना एक तरीके की दूसरी तरीके की स्मोकिंग है. और जितना आप स्मोकिंग से अपने को इंजर्ड करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, अपनी हेल्थ को डैमेज करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बैठकर आप अपनी हेल्थ का नुकसान करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा पोस्चर जो है वो गलत होता है. अगर पोस्चर का मॉडिफिकेशन किया जाए, आसन क्या है, अगर हम आसन की बात करें तो पोस्चरल मॉडिफिकेशन इज द आसन. हम पोस्चर में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें, स्पाइन को इरेक्ट करें, अलाइनमेंट सही होगा तो ये प्राणिक फ्लो सही होगा. और ये अलाइनमेंट योग का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है. और इस बेसिक प्रिंसिपल को सही करने के लिए हमें योग के बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना होगा. और अलाइनमेंट क्यों जरूरी है और कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हमारी स्पाइन है ये कार्टिलेजिनियस है, इससे स्लाइटली मूव कर सकती है. और स्लाइटली मूव करके इसको हम इरेक्ट कर सकते हैं. इसको इरेक्ट करते ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट हो जाती है. और योग की भाषा में कहें तो हमारी नाड़ियों का जो चैनल है वो सीधा हो जाता है. और नाड़ियों का चैनल सीधा होने से वहां पर प्राण का प्रवाह सही हो पाता है. न कि विदेशों में, भारत में भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी फरवरी 6 को 2018 को एक आर्टिकल पब्लिश किया, ए होलिस्टिक अप्रोच पोस्ट हर्ट सर्जरी, कि हर्ट की सर्जरी के बाद भी योग का अभ्यास किया जा सकता है. और वहां पर केवल हर्ट की सर्जरी नहीं, सबसे ज्यादा स्पाइन की जो इंजरीज हो रही हैं, लो बैक पेन हो रहा है, जितनी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम योग का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि वहां पर ये इस बात की पूरी जानकारी योगा टीचर को होनी चाहिए कि एनाटॉमी क्या कहती है, फिजियोलॉजी क्या कहती है. और जब हम योगा थेरेपी को यूज करते हैं तो योगा थेरेपिस्ट की तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. योगा टीचर से आगे की चीज है योगा थेरेपिस्ट, क्योंकि योगा टीचर तो उन लोगों को योगा टीच करता है जो हेल्दी हैं. योगा थेरेपिस्ट उन लोगों को टीच करता है जिनकी किसी तरीके से हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो गई हैं. चाहे हेल्थ प्रॉब्लम कोई भी हो, योगा टीचर उसको, योगा थेरेपिस्ट उसको हैंडल करता है. तो यहां पर तो एनाटॉमी की और भी जरूरत हो गई. लेकिन अब बात करते हैं कि योग की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम, न कि केवल एनाटॉमी की. तो यहां पर समझना होगा योग है क्या.
योग को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके अर्थ की बात करते हैं। योग युज धातु से बना है जिसका तीन अर्थों में प्रयोग होता है। युज जिसका अर्थ है युजिर योगे, यानी योग का मतलब है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। 2 + 2 = 4 दैट इज ग्रह नक्षत्रों का योग, दैट इज योग। यहां पर लेकिन जब योग बात करता है वो आत्मा परमात्मा के योग को, जीवात्मनो परमात्मनो के योग को योग कहता है। तो योग के अर्थ में, जो जोड़ने के अर्थ में है, वो आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। जब दूसरा इसका डिफिनेशन हम देखते हैं, युज समाधौ, योग क्या है? समाधि है। समाधि के अर्थ में योग का प्रयोग महर्षि व्यास ने किया है अपने व्यास भाष्य में, उन्होंने योग को समाधि की संज्ञा दी है। और तीसरी बात करते हैं हम युज संयम ने, मीनिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल किस बात का? कंट्रोल बहुत सारी बातों का, कंट्रोल एंगर पर, कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स पर, कंट्रोल प्राण पर, कंट्रोल अपनी हैबिट्स पर। और वशिष्ठ संहिता, योग वशिष्ठ में मनः प्रसन्नोपायो योग इति विधीयते, कंट्रोल ऑफ द माइंड इज योगा। तो बात करते हैं योग है क्या, कंट्रोल है, समाधि है, योग है, एडिशन है। लेकिन जब बात करते हैं भगवद गीता की, तो इसके आगे की बात करता है भगवद गीता में, शमत्वम योग उच्यते। जो हमारा बैलेंस है, बैलेंस किसमें? सुख दुख में, यश अपयश में, हानि लाभ में, जय पराजय में। तो इस सारे को योग कहा है भगवद गीता में। और सबसे अच्छी डिफिनीशन उन्होंने दी, योगः कर्मसु कौशलम। हम जो भी कार्य करें, स्किल इन द एक्शन नोन एज योगा। हमारे हर कर्म में स्किल आ जाए। आजकल स्किल इंडिया की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन योग ने इसकी बहुत पहले बात की थी कि हमारी स्किल में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा अगर हम योग कर लें। और हमारी योग के साथ बात कर रहे हैं हम योग की एनाटॉमी की। और ये सारी योग और एनाटॉमी सीख कर व्यक्ति क्या बनेगा? एक योगा थेरेपिस्ट बनेगा। योग टीचर्स के आगे का पर्सन होगा वो, जो कि अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने टूल से लोगों की फिटनेस में और इम्प्रूवमेंट लाएगा, लोगों की हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट लाएगा। अगर किसी में कोई डिजीज़ है तो उसको दूर करके उस डिजीज़ को इजी में बदल देगा और उसको हेल्थ को मेंटेन करेगा। दीज टेक्निक्स नीड टू एड्रेस ऑल लेवल ऑफ बीइंग, फ्रॉम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर की, दूसरी प्रॉब्लम है फिजियोलॉजी की, एक्शन की, फंक्शंस की। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आजकल हम देख रहे हैं, पोस्चरल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। पोस्चरल प्रॉब्लम में आपने देखा होगा साइटिका पेन, सर्वाइकल का पेन। साइटिका और सर्वाइकल का पेन अगर देखा जाए तो ये पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं। योगा थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि किस पोस्चर के कारण ये प्रॉब्लम आई है और उस पोस्चर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वहाँ पर उनको बताना होगा। जब बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि वो सीख सकें एनाटॉमी से, एनाटॉमी से सीखने के लिए वहाँ पर बात करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द एनी पार्ट ऑफ द फंक्शन। अगर हम देखें अंगूठे का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर अंगूठे का स्ट्रक्चर अगर पता हो गया तो अंगूठे का कार्य भी पता हो जाएगा, उसकी फिजियोलॉजी पता हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम योग में उसकी एनाटॉमी को जानें। जब भी हम बात करते हैं एनाटॉमी की, तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी संरचना का अध्ययन उसकी एनाटॉमी कहलाती है। अब वहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हम जिनको डायरेक्ट देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम एनाटॉमी या डिसेक्शन के बाद, कट करने के बाद ही देख पाएंगे। तो जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा उसका फंक्शन है, ये सारी पढ़ना है तो उसकी एनाटॉमी को पढ़ना होगा। एनाटॉमी पढ़ने के लिए हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जाते हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही जिक्र किया, अगर बॉडी को देखा जाए तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, कोशिका। और कोशिका का स्ट्रक्चर जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, कोशिका के स्ट्रक्चर का, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका के स्ट्रक्चर का, उसके फंक्शंस का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी से शुरुआत होती है बेसिक यूनिट की स्टडी का।
और वहां पर अगर उसकी स्टडी को प्रॉपरली समझ लिया जाए, क्यों? क्योंकि योग कहता है यत एव पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मतलब क्या है कि हम अगर कोशिका को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ लें, तो हम ये समझ जाएंगे कि उसके फंक्शंस को, उसकी क्रियाकलापों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और अगर हमने कोशिका की स्ट्रक्चर को समझ लिया, उसके फंक्शंस को समझ लिया, तो नो डाउट हम समझ जाएंगे कि इस पूरे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी फिजियोलॉजी कैसी होगी। और इतना समझ कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट योग में जो हमने इंजरी की बात की, जो हमने बियॉन्ड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात की, वो भी समझ में आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सेल भी एटम्स से बनी हुई है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और बहुत सारे आइटम्स मिलकर, कई मॉलिक्यूल्स मिलकर एक संरचना बनाते हैं, और उस संरचना से हमारा डीएनए बनता है, और डीएनए मिलकर ये सेल का निर्माण करते हैं, और कई सेल्स मिलकर, जैसा कि हमने पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, वो सारा स्ट्रक्चर अपने एक ऑर्गेनिज्म तक पहुँचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ द सेल अगर हम अच्छी तरीके से कर लें, तो हम स्ट्रक्चर भी जानेंगे, उसके फंक्शंस भी जानेंगे, और सेल के स्ट्रक्चर को जान लिया तो बॉडी के स्ट्रक्चर को जानना आसान होगा। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अजय पाल का, जिनके माध्यम से आज हम क्यों योग में एनाटॉमी पढ़ने की ज़रूरत है और योग एनाटॉमी क्या है, इस पर हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जितना हमारी समझ में आया है वो यही है कि मानव शरीर, सबसे पहले इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और हर शरीर में भिन्नताएँ होती हैं, और भिन्नताओं के चलते कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो हम आगामी सेशंस में ज़रूर करेंगे। मित्रों, अभी आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम एक छोटे से विराम के बाद जल्द हाजिर होंगे आप सभी के समक्ष, और यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है आप सभी के लिए। तो हम जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि आज हम योग एंड एनाटॉमीज पर चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा प्रथम व्याख्यान है, और प्रथम व्याख्यान के दूसरे चरण में हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपके लिए बहुत ही जानकारियां और लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस व्याख्यान से, इस सेशन से आप बहुत ज्ञान अर्जित करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय पाल। डॉक्टर अजय पाल आपको बताना चाहेंगे कि निरंतर कार्यरत हैं जन सेवा में,
किस प्रकार योग से आप विश्व को, इस जहान को, इस देश को हील कर सकें, और उससे पहले अपनी प्रथम जिम्मेदारी समझते हैं कि आप सभी तक पहुंचा सकें बात कि किस प्रकार एनाटॉमी के माध्यम से, एनाटॉमी को समझ कर कि क्यों एनाटॉमी जरूरी है योग में, इसके लिए ये कार्यरत हैं। तो आइए इनके ज्ञान से, इनके विस्तृत ज्ञान से हम भी कुछ बूंदें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, और जितने भी हमारे योग में जो सम्मिलित जो लोग हैं, जो परीक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं या जो सीख रहे हैं, उनके लिए लाभ हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय पाल का। डॉक्टर पाल, आपका फिर से स्वागत है। जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जो हमारी कोशिका है, जो सेल है, वो बेसिक यूनिट है ह्यूमन बॉडी की, और अगर उसके स्ट्रक्चर को हमने जान लिया तो आगे के स्ट्रक्चर को समझना, उसके फिजियोलॉजी को समझना आसान हो जाएगा। और इस स्टडी को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो उसकी बेसिक यूनिट सेल की स्टडी और करता है स्ट्रक्चर और फंक्शंस की। यहाँ पर जो डिवीज़न है एनाटॉमी का, वर्गीकरण है मानव की संरचना का, उसमें बात आती है कि ग्रॉस एनाटॉमी है। ग्रॉस एनाटॉमी में हम उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनको हम देख सकते हैं नेकेड आई से, जिनके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप, किसी हैंड लेंस, किसी लेंस की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर को 5 भागों में डिवाइड किया है एनाटॉमी ने, जिसमें सबसे टॉप पर है हेड, सेकंड पर है हमारी नेक, थर्ड पर हमारी ट्रंक, फोर्थ पर है अपर एक्सट्रीमिटीज़ यानी बोथ हैंड्स, और फिफ्थ पर है लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हमारे दोनों पैर। इन चीज़ों को हम नंगी आंखों से देख रहे हैं, इनके डिवीज़न हमने देख लिए, दिखती हैं हड्डियाँ, लंबी हैं, मसल्स हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, रेक्टी, अब्डोमिनल मसल्स ये बाहर से दिखती हैं, नेकेड आई से इन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो उसके लिए डिसेक्शन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए मसल्स, बोन और वेरियस ऑर्गन्स को, जिनको हम देख सकते हैं, इनको हम ग्रॉस एनाटॉमी में ऐड करते हैं। वे संरचनाएं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम वृहत मानव शरीर संरचना कहते हैं, और इनमें हमारी मांसपेशियां, हड्डियां और दूसरे बड़े बड़े अंग सम्मिलित हैं। और दूसरी, जैसा इसका जस्ट अपोजिट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जैसे हमने जिक्र किया कोशिका का, जिनके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी अवर सेल्स, तो वहाँ पर उस स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम माइक्रोस्कोप से उसका स्टडी करते हैं। और जैसा कि हमने बताया, जब हम ऐसी सेल, ऐसी बेसिक यूनिट जो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका के नाम से जानते हैं, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल क्या है, कोशिका क्या है? सेल इज द यूनिट ऑफ परमेबल मेम्ब्रेन कैपेबल सेल्फ रिप्रोडक्शन इन ए मीडियम फ्री फ्रॉम अदर लिविंग सिस्टम। कोशिका किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीवित वस्तु की एक सबसे छोटी इकाई है, जो एक पारदर्शी, पारगम्य, एक उससे सेल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। पारगम्य का मतलब होता है कुछ चीज़ें अंदर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें अंदर नहीं जा सकती हैं। कोशिका, इस कोशिका की झिल्ली इस बात को तय करेगी कोशिका के अंदर क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और कोशिका के अंदर से बाहर क्या आएगा। जैसे हम लोग इसके उदाहरण के तौर पर देखें तो हमने देखा कि एक बीमारी है जिसको हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पर्सन जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है, उसके ब्लड में तो ग्लूकोज है, रक्त में तो शर्करा की मात्रा है, और उस शर्करा की मात्रा वो ज़्यादा है जितना लेवल होना चाहिए, लेकिन उसकी सेल के अंदर वो शर्करा प्रवेश नहीं कर पा रही है। उस शर्करा के, उस ग्लूकोज के प्रवेश को कौन रोक रहा है, तो वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको हम कहते हैं सेल की झिल्ली, कोशिका भित्ति, और ये रोक देती है, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। कब तक? जब तक इंसुलिन वहां नहीं आएगा। इंसुलिन वहां आकर अंदर सेल के अंदर GLUT4 को एक्टिव करेगा, और फिर GLUT4 ग्लूकोज को रिसीव करेगा और अंदर ले जाएगा।
ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोशिका बेसिक चीज है और उसकी सबसे पहली जो बात आती है उसकी झिल्ली है और उसके ऑर्गेनेल्स हैं दूसरे, हम जिससे दूसरे ऑर्गेनेल्स में आप सब जानते हैं माइटोकांड्रिया को, पावर हाउस ऑफ दिस सेल, और ये सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं। कई माइटोकांड्रिया एक सेल में होती हैं और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहीं पर बर्न होता है जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का यूज हम डिफरेंट एक्टिविटीज में करते हैं, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो या दुनिया भर की और दूसरी क्रियाएं हो। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी कोशिका जिसकी एनाटॉमी हम जानते अगर जान लें, जिसकी हम फिजियोलॉजी अगर जान लें, तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, ये हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, आज हम केवल बता रहे थे आपको एनाटॉमी क्या है सेल की, और सेल की एनाटॉमी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, उसके अध्ययन को, उसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। और ऐसे ही सेल्स, कई सेल्स मिलकर, सिमिलर सेल्स मिलकर, जिनके फंक्शंस, जिनके स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और अगर हम टिश्यू की स्टडी की बात करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल और हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यूज। और यही टिश्यूज मिलकर कई ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, तो अगला डिवीजन ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बाद है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम जितना ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के सरफेस का जो स्टडी करते हैं, दैट इज सरफेस एनाटॉमी। सरफेस पर क्या है, जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, स्किन है, दिस इज द सरफेस एनाटॉमी। और इनमें डिसेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी को डिसेक्ट नहीं करना पड़ता, काटना नहीं पड़ता, उसके लिए कोई डिसेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस एनाटॉमी को हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं, पृष्ठ के। और ये पृष्ठ ही बता देता है, हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान फिजिकल अपीयरेंस से कर सकते हैं और डॉक्टर्स उस फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और ये सरफेस एनाटॉमी है। और यहाँ पर और हम आगे बढ़ते हैं रीजनल एनाटॉमी, केवल एक पार्ट लिया जाए, जैसे हेड को लेकर, जैसे हम ट्रंक रीजन को लेकर, जैसे हम नेक रीजन को लेकर स्टडी करें, तो ये स्टडी हमारी कहलाती है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी एक रीजन के बारे में हम पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेंगे वन टाइम। जैसे हेड रीजन को ले लिया, तो हेड में सारा उसका सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, आईज, थ्रॉट, ईयर्स, ब्रेन, सारी चीज़ें वो कवर कर लेगी, क्योंकि एक रीजन की स्टडी हम कर रहे हैं, तो ये रीजनल एनाटॉमी है। और दूसरी होती है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी में हम देखते हैं एक सिस्टम को लिया गया, जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, कहीं पर 9 सिस्टम्स का जिक्र आता है, कहीं पर 11 सिस्टम्स का जिक्र आता है। सिस्टम्स जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की, हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की, नर्व सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ये सारे सिस्टम्स को सिस्टम वाइज हम जब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, किन किन प्रक्रियाओं से डाइजेशन पूरा होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का जब हमने जिक्र किया है, तो मुख से लेकर, ईसोफेगस से लेकर, स्टमक से लेकर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पूरा, दांतों से लेकर, 4 प्रकार के दांत ने कैसे भोजन को चबाया, कैसे काटा, कैसे उसको बोलस को आगे पाइलोरिक स्पिनेक्टर के माध्यम से, कैसे क्रमाकुंचन तरंगों के माध्यम से पेट तक पहुंचाया, और पेट ने कैसे उसको चरंज किया फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन करके, और कैसे उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ले गया। ये सारे जब हम स्टडी करते हैं, तो इसको, इस स्टडी को हम सिस्टमैटिक एनाटॉमी कहते हैं। सिस्टमैटिक एनाटॉमी प्रणालीगत मानव शरीर की रचना, इसको जिसको कहते हैं, इसमें एक तंत्र के बारे में पूरी स्टडी कर लेते हैं। इस स्टडी को, जिसको हमने कहा कि ह्यूमन एनाटॉमी कैसे कैसे हमें पढ़नी है, तो उसमें हमने देखा कि हम सबसे पहले उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो कोशिका है उसका स्टडी किया,
माइक्रोस्कोपिक, ग्रॉस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमेटिक एनाटॉमी। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का कैसा है। एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कैसा है कि सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या बना, तो हम वहां पर बात करते हैं कि सबसे पहले बनी कोशिका। कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, कई ऊतक मिलकर एक अंग का, और कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, कई अंग तंत्र एक जीव का निर्माण करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किसी भी बॉडी का। तो हमने यहां पर देखा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और सेल को अगर जान लिया तो टिश्यू को जान लेंगे, टिश्यू को जान लिया तो हम ऑर्गन को जान लेंगे, ऑर्गन को जान लिया तो सिस्टम को जान लेंगे, और अगर सिस्टम्स को जान लिया तो हम बॉडी के एनाटॉमी को, उसकी फिजियोलॉजी को जानने में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस एनाटॉमी को अच्छी तरीके से जाने। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी में जो एनाटॉमी, हम बात कर रहे थे कि कोशिका ही उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है कोशिका। लेकिन अगर हम बात करें कोशिका किससे बनी है, तो हम बात करेंगे वहां पर केमिकल लेवल है, कई केमिकल्स मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, ये सारी चीजें मिलकर हमारे अंदर कोशिका में एंजाइम्स और दूसरी चीजों का डीएनए केमिकल मिलकर कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, और वे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड इस कोशिका को बनाने में मदद करते हैं। फिर सेलुलर लेवल पर आती, केमिकल लेवल के बाद सेलुलर लेवल पर, सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल पर, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और सिस्टम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करता है। लेकिन बात करते हैं अब फिर से हम योग की। योग कहता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा है, प्राण है, और हम जब बात करते हैं एनाटॉमी की, तो वो कहता है हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, और कोशिका के अगर बियॉन्ड जाने की बात करोगे तो केमिकल की बात करता है, केमिस्ट्री की बात करता है। लेकिन हम आगे भी बढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री के सी, केमिस्ट्री का जो कार्बन है उसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री का जो ऑक्सीजन है हम उसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री का जो हाइड्रोजन है हम उसकी बात करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के कॉन्फिगरेशन को देखें, हाइड्रोजन के जो स्ट्रक्चर है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है, उसके जो प्रोटॉन है, उसके जो न्यूट्रॉन है, उनको देखें, उसके न्यूक्लियस को देखें, तो पाएंगे न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहा है, न्यूक्लियस में ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यही सारे केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रॉन बाहर राउंड अप में है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अगर बात फिर करें कि इलेक्ट्रॉन भी तो डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन भी डिवाइडेड है, तो इलेक्ट्रॉन के बाद क्या है और उसके बाद क्या है और उसके बाद क्या है, तो सब इस मत पर साइंस और सुपर साइंस, मेटाफिजिक्स, सब इस बात पर सहमत हैं कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं, ये ऊर्जा है। ऊर्जा का पुंज इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। ऊर्जा, अब हम बात फिर करते हैं कि यह प्राण ऊर्जा है। योग और विज्ञान एक बिंदु पर मिले, कहां पर? ऊर्जा पर। ऊर्जा एक पॉइंट है जहां पर साइंस, चाहे योग की हो और चाहे वो ये साइंस हो, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि देयर इज एनर्जी। और जब हम इस बात पर सहमत हैं कि देयर इज एनर्जी, तो फिर हम बात करते हैं कि देयर इज प्राणिक एनर्जी, देयर इज प्राण, देयर इज एनर्जी चैनल, देयर इज नाड़ीज, देयर इज चक्रास। हम फिर आ गए वही कहां पर कि हम बात कर रहे थे एनाटॉमी की, बात कर रहे थे केमिकल लेवल की, बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, और बात कर रहे थे ऊर्जा की। और ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉन्स को बनाया है, और उसी ऊर्जा ने, उसी प्राण ऊर्जा ने ह्यूमन बॉडी को बनाया है। प्राणायाम से उस प्राण ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। किसी ने लिखा है, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। क्योंकि ये जरूरी है। साइंस कहती हम एक तरफ हैं, योग कहता हम एक तरफ है, नहीं, दोनों का मिलन होना चाहिए। इसीलिए योग एनाटॉमी इज मस्ट।
योग पढ़िए, एनाटॉमी भी पढ़िए और उसको इस लेवल तक पढ़िए जहां पर ऊर्जा तक पहुंच जाए, क्योंकि यही ऊर्जा प्राण है, यही ऊर्जा सब जगह है। आप बात करेंगे चेतना की, आप बात करेंगे क्वांटम की, आप बात करेंगे प्राण की, तो हम पाएंगे सब में ऊर्जा है और इसी एनर्जी को लेकर सारे काम हो रहे हैं। तो हम यहां पर भी, ये केवल हमारे कहने से नहीं, इसका जिक्र महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के पहले पाद के 40वें सूत्र में किया है कि परमाणु परम महत्व अनंत अश वसीकारः, कि हम अगर माइंड को कंट्रोल कर लें, हम फिर बात कर रहे हैं, हमने अभी आपको डिफिनीशन बताई थी, क्या बताया था कि कंट्रोल योगश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना योग है। मनः प्रसन्नोपायो योग इति विधीयते, सब जगह कंट्रोल की बात की जा रही है, जब पातंजलि योग सूत्र हो या योग वशिष्ठ हो, और यहां पर भी हमने बात की कि अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लें तो परमाणु हो, यानी परमाणु का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको कह सकते हो वो, और लार्जेस्ट महत, बहुत बड़ी ग्रॉस एटम्स, दोनों पर नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अपने सूत्र में कि अगर हमने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया भर की चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। और यही बात भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अभ्यासेन तो कौन्ते वैरागेण च गृह्यते, क्योंकि अर्जुन ने पूछा भगवान ये मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रणमाति बलवद्रणम, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, इसको वश में करना बहुत दुष्कर है, जैसे वायु को रोकना बहुत कठिन है, वायु को वश में करना बहुत कठिन है, इसी प्रकार मन को वश में करना कठिन है। तो भगवान ने आंसर दिया, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उत्तर दिया इस बात का, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं वश में किया गया मन परमाणु और परम महत्व की चीजों को भी कंट्रोल में कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। इसलिए हम बात करते हैं कि एनाटॉमी से, हमने शुरुआत में बात की थी कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हम इस योग के, इस योग की साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में, हमने, हम सब ने राइम्स में पढ़ा है, नर्सरी की राइम्स में, हेल्दी बॉडी हैव साउंड माइंड, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन रखता है। और स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए कि हम इस जो बॉडी शरीर है ना, इसके मैनुअल को जाने, क्योंकि हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, इस बॉडी के साथ कोई मैनुअल नहीं आया, इस मैनुअल को खुद जानना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा और खुद पढ़ना पड़ेगा। इस मैनुअल में ग्रॉस ही नहीं, उसके सुबटल तक जाना पड़ेगा, जैसे हमने अभी बात करी केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, ऐसे ही वहां पर योग बात करता है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सबके लिए वो बात करता है। यहां पर बात की जा रही है केमिकल लेवल की, वहां पर बात की जा रही है सूक्ष्म शरीर की, यहां पर बात की जा रही ऊर्जा की, वहां पर बात की जा रही कारण शरीर की। और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी व्यक्ति का एनाटॉमी और योग को, दोनों को समझना, क्योंकि एक को समझने से काम नहीं चलने वाला। हमने एनाटॉमी बहुत अच्छी आती है, हमें योग बहुत अच्छा आता है, हम योग के सारे आसन जानते हैं, आसन जानते हैं, और आसान है कि आप जान जाइए एनाटॉमी, एनाटॉमी जानते हैं तो जान जाइए आसन कैसे काम करते हैं, प्राणायाम कैसे काम करता है। हम बात आसनों की न लेकर पूरे योग की बात करेंगे कि योग में सटकर्म भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, धारणा भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है, यम नियम भी है, सब कुछ है। और इसके अलावा भी है, मंत्र योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है। योग बहुत बड़ी स्टडी है, लेकिन जब बात करते हैं योगा अभ्यास की, उन अभ्यासों में हमने, और हमने क्या, पूरी दुनिया ने सबसे ज्यादा फोकस कर रखा है योग आसन पर। यहां पर भी ये समझना जरूरी हो जाएगा, आसन और योग आसन में डिफरेंस है। हर आसन योगासन नहीं हुआ करता
क्योंकि जब तक किसी भी आसन में हम पूर्वोक्त कही गई डिफिनीशंस को पूरा नहीं करते तब तक कोई भी आसन योगासन नहीं बनता। या तो वहां आत्मा परमात्मा का मिलन हो, या तो वहां हकार ठकार का मिलन हो, या तो वहां पर चित्त वृत्तियों का नियंत्रण हो, तब वो आसन योगासन बनेगा। और योगासन करने के लिए हमें योग को, आसन को समझना होगा, आसन को समझने के लिए हम शरीर को समझना होगा, और शरीर को समझने के लिए उसकी एनाटॉमी को समझना होगा। और एनाटॉमी को समझकर रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो, आगे और हैं स्टेप्स, फिजियोलॉजी इज देयर। हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर्स की, हम केवल स्ट्रक्चर्स तक सीमित थे, किसमें? एनाटॉमी में। और जब हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस नोन एज फिजियोलॉजी। फंक्शंस मतलब किसी भी पर्टिकुलर आर्गन का, पर्टिकुलर पार्ट का, पर्टिकुलर सिस्टम का फंक्शन कैसा है, उसकी क्रियाकलाप कैसे हैं। उस क्रियाकलाप के द्वारा ही हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे एनाटॉमी में जो बताए गए स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र और मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ये सारे सिस्टम्स कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, और कैसे कोऑर्डिनेट करके हम योगासन में डिफरेंट डिफरेंट पोजेस को मेंटेन कर पाते हैं, क्या चीज है जिस जो जरूरी होती है इन पोजेस को मेंटेन करने में। क्योंकि कई बार आप देखते हैं, आपसे कहा गया हेड नेक स्पाइन इरेक्ट, यानी कमर गर्दन रीढ़ एक सीध में रखनी है, आपने उसी समय कर ली, ये क्या था? बॉडी अवेयरनेस थी, फिजिकल अवेयरनेस थी, और फिजिकल अवेयरनेस बॉडी अवेयरनेस नोन एज आसन। लेकिन कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि ये अवेयरनेस खो जाती है, और अवेयरनेस को खोते ही हम कहाँ होते हैं, हमारी स्पाइन फिर से हंच में, स्पाइन में एक हंच बन जाता है और हम झुक जाते हैं। झुकते ही क्या हुआ कि बॉडी की अवेयरनेस तो गई ही थी, प्रेशर जो उसके दबाव थे, दबाव क्षेत्र बदल जाते हैं। जब हम बॉडी को, स्पाइन को इरेक्ट करते हैं तो हमारा टोटल जो प्रेशर है वो हमारे हिप रीजन पर होता है, हिपेटिक जॉइंट पर होता है, बोन्स पर होता है, जॉइंट्स पर होता है, बोन्स पर होता है। लेकिन अगर हमारे स्ट्रक्चर में अवेयरनेस को खोते ही हंच बनता है तो ये जो प्रेशर है ये हमारे अबडामिनल रीजन पर आ जाता है, नेवल रीजन पर आ जाता है, और दैट्स वाई, यही कारण है कि हमारी ब्रीदिंग भी सैलो हो जाती है, उथली हो जाती है। और नो डाउट अगर ब्रीदिंग सही रहे तो हमारी मसल्स प्रॉपर फंक्शन करेंगी, और मसल्स अगर प्रॉपर फंक्शन करेंगी, मैं बात फिर फिजियोलॉजी की कर रहा हूं, अगर मसल्स प्रॉपर फंक्शन करेंगी तो जो ग्लूकोज मसल्स को चाहिए उनको मिलता रहेगा। मसल्स ग्लूकोज का अगर यूज करती रहेंगी तो कभी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी नहीं, और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी नहीं तो डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज, मधुमेह होने की संभावना कम रहेगी। सिंपल है, आसन आप जहां पर भी हैं कर सकते हैं। कैसा? अवेयरनेस लाइए, पोस्चर को सही करिए, और ये पोस्चर, पोस्चरल अवेयरनेस अगले लेवल पर अवेयरनेस को ले जाएगी, उसको कहते हैं ब्रीदिंग अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा, जैसे प्रेशर रिलीज होगा हमारा डायाफ्राम अच्छी तरीके से मूवमेंट कर पाएगा। डायाफ्राम अच्छी तरीके से मूवमेंट कर पाएगा तो नो डाउट लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनहेल की गई गैस का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और इनहेल की गई गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाएंगे। क्या किया हमने? हमने पोस्चरल अवेयरनेस से ब्रीदिंग अवेयरनेस पर चले गए। ब्रीदिंग अवेयरनेस आते ही हमारी ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों का टाइम इंक्रीज कर जाएगा, और दोनों का टाइम इंक्रीज करते ही हम देखेंगे कि हमारी सांसों की संख्या कम हो जाएगी। और इसीलिए योग मानता है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी ये मानते हैं या नहीं मानते हैं ये उनका अपना विषय है, लेकिन योग मानता है कि हमारी सांसें दी हुई हैं, गिनी हुई हैं, इनको कंजूसी से खर्च किया जाए, और कंजूसी से खर्च करने के लिए क्या करना होगा, इसके प्रति अवेयरनेस लानी होगी,
ब्रीदिंग अवेयरनेस नोन एज प्राणायाम. क्या किया हमने? पोस्चरल अवेयरनेस आसन और दूसरी ब्रीदिंग अवेयरनेस प्राणायाम. इसलिए जरूरी है कि हम ब्रीदिंग पैटर्न को जानें, क्या ऑर्गन्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या वो फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपनी ब्रीदिंग को इन्हांस कर सकते हैं, ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. यही चीज़ें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के माध्यम से योग के लोगों को सीखने की ज़रूरत है. लगातार हम इस बात पर जिक्र करते रहे हैं कि योग के ग्रंथ भी इस बात को मानते हैं कि वहाँ लिखा है कि आप षटकर्मों का अभ्यास करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर से मल बाहर निकलेंगे, नाड़ियां शुद्ध होंगी. वहां नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का भी जिक्र किया है और दोनों बातें इस बात को बताती हैं कि कैसे नाड़ी शुद्ध होगी, कैसे हमारा बॉडी शुद्ध होगी. बॉडी का प्यूरिफिकेशन, नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन सटकर्मों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और योगासन के माध्यम से. अगर हम एक वर्ड में इस बात को कहें कि योग क्या करता है, तो योग एक काम करता है कि हमारे अंदर के गार्बेज को आउट करता है. चाहे वो सटकर्म हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन हो और चाहे वो ध्यान की प्रक्रियाएं हो, समाधि की प्रक्रिया हो, सब में एक ही काम हो रहा है, अंदर के गार्बेज आउट हो रहे हैं. लेकिन ये गार्बेज कहाँ से आउट हो रहे हैं? कुछ ग्रॉस बॉडी से, कुछ सुप्टल बॉडी से, कुछ कॉजल बॉडी से, कुछ स्थूल शरीर से, कुछ सूक्ष्म शरीर से और कुछ कारण शरीर से. स्थूल शरीर को समझने के लिए हमें उसकी एनाटॉमी को समझना होगा, सूक्ष्म शरीर के लिए भी हमें योग की एनाटॉमी को समझना होगा और जिस पर हम आगे भी जिक्र करेंगे कि क्या है इस एनाटॉमी और योग की एनाटॉमी में और चीज़ें जिनसे कि योगा टीचर्स अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं. धन्यवाद. और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर जयपाल का, जिनके माध्यम से आज हमने इस व्याख्यान को पूर्ण किया और जाना कि किस प्रकार अगर हम योग में एनाटॉमी जान लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं कि एनाटॉमी पढ़ने क्यों ज़रूरी है, इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है योग विषय को आसानी से पहुँचाना और सभी को लाभान्वित करना. मित्रों, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी आज के इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं और आपके मन में बहुत सी जिज्ञासाएँ भी होंगी. तो अगर कोई भी जिज्ञासा है आपके मन में, कोई भी प्रतिक्रिया आप इस लेक्चर के संबंध में देना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए info.cec@nic.in पर. इस आईडी के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. मित्रों, यहां हम आपसे इजाजत लेते हैं इस वादे के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी. तो एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर अजय पाल का. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका.